हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग मॉल में आपका स्वागत है। अनारकली सूट, मैक्सी ड्रेस, गाउन, घेरदार फ्रॉक और ना जाने कितने नामों से हम इस ड्रेस को जानते हैं। इस वीडियो में आज हम इस ड्रेस का ऊपरी भाग, स्कर्ट, बाजू काटेंगे, सिलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कॉलर लगाना, बटन पट्टी ऐसी चीजें भी बताऊंगी। ऊपरी भाग या चोली आप किसी भी स्टाइल की काट सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपने किसी कमीज के ऊपर का कमर तक का भाग काटते हैं। कपड़ा प्लेन है इसलिए हम अगला पिछला दोनों भाग एक साथ काटेंगे। तीरा हमने आधा तीरा लिया और सवा सात हो गया और गले की चौड़ाई 2.5 इंच। ये बैक नेक है जो कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है, 1.25 इंच या 1.25 इंच जिसको कहते हैं। आगे के गले की लंबाई 3 इंच। यदि आपको कॉलर नहीं लगानी तो आपको आप इसको 7 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने गला छोटा रखा है कॉलर लगाने की वजह से मैं 6.5 इंच की एक बटन पट्टी इसमें काटूंगी। आर्म होल 7.5 इंच पर निशान लगाया है जो कि 1/2 इंच ऐड किया हुआ है। कमर की निचाई 14 इंच प्लस 1/2 इंच। हिप या फिर टोटल बॉडी की चोली की लंबाई ही हमारी 15 है तो उसमें 1/2 इंच और जोड़ दिया है। जो छाती की रेखा है या चेस्ट लाइन है वो चेस्ट इंटू 4 यानी 4 से भाग किया और उसमें 1.5 इंच जोड़ा। यदि आपको डार्ट्स नहीं बनानी, जिसको कुछ लोग प्लीज भी कहते हैं, तो आप इसको 1/2 इंच ही जोड़ें। आर्म होल का निशान कंधे के निशान से 1 इंच कम लगता है। कंधे की निचाई 1/2 इंच लेकर के ये निशान लगा लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के आर्म होल की जो ये जो लेंथ है इसको बीच में से मिड पॉइंट से 1/2 इंच अंदर लिया और अगली आर्म होल की ये गोलाई ले ली। इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए लाइन के ऊपर हमने पिछले आर्म होल की गोलाई ले ली। कमर हमने सेम रखी है जितनी की चेस्ट की रखी थी, बस उसमें 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच कम कर दिया है। रीजन बीइंग कि इसमें हम डार्ट्स देंगे। यदि आपको डार्ट्स नहीं चाहिए तो आप कमर को 4 से भाग करके 1/2 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब डार्ट 3 इंच की चौड़ाई पर अंदर होती है और 4.5 इंच की लंबी डार्ट इसमें लगाई है हमने जो कि 1/4 इंच की चौड़ी होगी। लेकिन डार्ट्स जो होती है जिसको कुछ लोग ब्लैकेट कहते हैं, लेकिन ये डार्ट्स हैं और इनको ऐसे पॉइंटेड होती हैं। ये 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया है, आप चाहे तो 1 इंच ले सकते हैं, बट ड्रेसिंग व्हील से ऐसे डार्ट्स के ऊपर निशान लगाने से और साइड के निशान लगाने से वो नीचे के पल्लों पर आ जाते हैं। और इसको आप काट लीजिए, कुटके लगा लीजिए, दोनों पार्ट्स को अलग कर लीजिए, बैक पार्ट अलग, फ्रंट की आगे की आर्म होल काटिए और आगे का गला, क्योंकि हमें कॉलर लगानी है और ये प्लैकेट। तो ये हमारी चोली या बॉडीस कट गई है और ये निशान हमने लगाया है प्लैकेट के एंड का कि यहाँ तक का हमें 2 पट्टियाँ काटनी है लंबी ताकि हम प्लैकेट बना सकें। अम्ब्रेला स्कर्ट बिना जोड़ के काटा जाता है, लेकिन अक्सर चौड़ाई छोटी रह जाती है, इसलिए जोड़ कैसे लगाना है यह ध्यान से समझिए। यह चौड़े अर्ज का कपड़ा है जिसका फोल्डेड साइड आपके सीधे हाथ की तरफ है और ऊपर का साइड फोल्डेड है। सैलवेज पर मैंने एक और कपड़ा रखकर, ये 2 तह में एक और कपड़ा रखकर इसको जॉइंट बीच में लगेगा। यहाँ से हम कमर काटेंगे। कमर के लिए कमर को 6 से भाग कीजिए और उसमें 1/4 इंच जोड़ दीजिए। टोटल जो स्कर्ट की लंबाई है वो हमारी ये कमर काटने के बाद टोटल लंबाई प्लस 6 इंच के करीब ली है हमने और कमर हमारी उसी के अंदर हमने जोड़ दिया है। यानी आप यदि इस पॉइंट से लगाएंगे तो टोटल स्कर्ट की लंबाई प्लस 6 इंच। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इस चोली को यहाँ रखिए, इधर निशान लगाइए और इसको
हल्की सी गोलाई दे करके काट लीजिए। अदरवाइज यदि आप नाप से काटते हैं तो वेस्ट इंटू 6 प्लस 1/4 इंच, यानी 6 से भाग कीजिए कमर को, कमर के नाप को, और उसमें 1/4 इंच जोड़ करके करीबन आपका 4.5 इंच आएगा। इसको नाप से गोलाई ले लीजिए। और यदि आप चोली रख करके काटते हैं तो पहले आपको डार्ट सिलनी होगी, साइड की सिलाई लगानी होगी, और उसके बाद ही आप निशान लगा करके इसको एग्जैक्ट आपका मेजरमेंट आएगा इसका। मैंने ये ड्रेस दोनों तरीकों से बनाई हुई है, तो इसलिए मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि दोनों तरह से ही बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो आप इसको गोलाई में काट लीजिए जो आपने निशान लगाया था, और चेक कर लीजिए कि आपका जो नीचे का गोलाई है स्कर्ट की, वो सब तरफ से बराबर हो। उसके लिए आपको जस्ट अपना इंच टेप रखना है दोनों कॉर्नर्स में, एक दो बार बीच में, साइड्स में, और चेक करना है कि टोटल 39 यदि आपकी लेंथ है स्कर्ट की, तो आप 39 इसको पूरा का पूरा चेक कर लीजिए। इसमें हमने 1 इंच नीचे का फोल्ड करने का भी जोड़ा हुआ है। तो आप इसको गोलाई में ऐसे घूमते हुए पूरा काट लीजिए। बाजू आप किसी भी स्टाइल की बना सकते हैं, चाहे तो बाजू ना भी लगाएं, दैट्स एंटायरली योर चॉइस। तो इसके अंदर मैंने बाजू लगाने का, बाजू काटने और सिलने का बहुत ही इजी तरीका बताया है। जस्ट आप चोली को रखिए, बैक पार्ट को जो पिछला भाग है आपका बॉडीज का, और इसको रखकर आप पिछले भाग की गोलाई जो आपकी आर्म होल की है उसको रखते हुए इसको गोलाई का निशान लगा लीजिए। इसको आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है, जस्ट इसको हल्की गोलाई में निशान लगा लीजिए। इसका मिड पॉइंट भी निशान लगा लीजिए, और इसको हल्का सा ऊपर लेते हुए इस पॉइंट से आर्म होल जहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से आप करीबन 1-1.5 इंच ऊपर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाते हुए इसको हल्की शेप देते हुए ऊपर ले लीजिए और ऊपर से मिला दीजिए। ऊपर का साइड आपकी बाजू का फोल्डेड है, और जितनी लंबाई आप लेना चाहते हैं इसके अंदर मैंने 21 इंच प्लस 1 इंच, जिसके अंदर 1/2 इंच नीचे की ऊपर का फोल्ड है शोल्डर से जो जुड़ेगा, और 1.5 इंच नीचे बाजू फोल्ड होगी। तो बॉटम का जितना आपने लिया है 5 इंच, वहाँ से आर्म होल एंड को मिला दीजिए, और 1 इंच सीम अलाउंस लेते हुए इसका निशान लगाइए। और इसको यहाँ से हम यहाँ पर आप नॉच लगा लेंगे और बाजू को बाहर की तरफ से काट लेंगे। ध्यान रहे आपको सिर्फ बाहर वाला हिस्सा काटना है जो कि बैक पार्ट है बाजू का। ये पीछे की बाजू काट कर ऊपर एक छोटा सा कुटका लगाइए, और ये जो आपने सीम अलाउंस लिया था इसके बाहर की तरफ से काटिए, और ये आपकी बाजू का काटने का आसान तरीका, जिससे बाजू आपकी इजीली सेम साइज की आ जाती है जैसी आप चाहते हैं। अब हम बाजू का अगला भाग काटेंगे। तो जो आपने गोलाई में लिया था उसको कर्व करते हुए, गोलाई लेते हुए इसकी आप इस तरीके से काटिए, और हल्का सा कुटका एक यहाँ भी दे दीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी हिस्सा आपका आगे की तरफ से जुड़ेगा। बच्चों की ड्रेस के लिए हम जो बटन पट्टी लगाते हैं वो आगे या पीछे लगाते हैं, क्योंकि उनका सिर बड़ा होता है। इसमें गला छोटा था इसलिए हम बटन पट्टी काटेंगे, एक 3 इंच की और एक 1.5 इंच की। जनरली ये जो बटन पट्टी के लिए कपड़ा होता है, इस पट्टी को जो साइड का सेल्वेज होता है किनारे वाला हिस्सा, वहाँ से काटते हैं, लेकिन ये कपड़ा बहुत मोटा है वुलन होने की वजह से, इसलिए मैंने इसका सेल्वेज का हिस्सा निकाल दिया है, और बीच के हिस्से से मैं 2 पट्टियाँ काटूंगी, जिसमें एक दोनों पट्टियाँ 7.5 इंच लंबी होगी, यानी 1 इंच हमारी लंबी
जितना हमने निशान लगाया था। हमने निशान 6.5 इंच पर लगाया था, पट्टी हमारी 7.5 इंच की लंबी होगी। तो इन पट्टियों को काट लीजिए। ये 6.5 इंच की लंबी पट्टी जो है उसके ऊपर तो हुक की आई बनाएंगे, और लंबी जो पट्टी है, चौड़ी पट्टी जो है 3 इंच की, वो उसको कवर करने के काम आएगी। डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी को चोली के सीधी तरफ रखकर सिल दीजिए। जहां तक कट का निशान लगा है हमें वहां तक सिलाई करनी है। जहां सिलाई खत्म की है वहां हल्का सा 1 सेंटीमीटर का कट लगाइए, ताकि हमारी पट्टी आराम से पलटी जा सके और इस कोने में किसी तरीके का झोल ना आए। अब इस पट्टी को उल्टी तरफ मोड़कर सिल दीजिए। इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगेगी जहां तक आपने निशान लगाया है। चौड़ी पट्टी को चोली के उल्टी तरफ रखकर सिल दीजिए, और जहां तक कट का निशान लगाया था वहां तक ही सिलाई कीजिए जैसे हमने पहले की थी। जब सिलाई खत्म हो जाए तो वहां हल्का सा 1 सेंटीमीटर का कट लगाइए और उसको पलट लीजिए और इसे भी मोड़कर सिल दीजिए। ऊपर की पट्टी इस तरह लगा दी है ताकि ये नीचे वाली पट्टी को कवर कर ले, और जहाँ ये आप हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था हमने इसको फोल्ड कर देंगे और उसका उसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर उसको पक्का कर लेंगे। ऊपर का फालतू कपड़ा काट लीजिए। अपनी मनपसंद लेस लगाने से इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। चोली में 2 डार्ट्स आगे लगेंगी और 2 डार्ट्स पीछे बनेंगी, तो
इसका जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पर पॉइंटेड करते हुए वाइड साइड से स्टार्ट कीजिए चौड़ी तरफ से और इस पॉइंटेड साइड तक इसको ख़त्म करके यहाँ पर दो गांठ लगा लीजिए। ऐसी दो डार्ट्स हमने आगे बनाई और दो ही पीछे बनाई। डार्ट्स बनाने के बाद हम कंधे जोड़ेंगे। आप गला किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। मैंने यहाँ स्कार्फ कॉलर लगाई है जो कि बहुत ही आसान है लगाना और बनाना, लेकिन आप अपनी पसंद की किसी भी तरीके की कॉलर लगा सकते हैं या आप उरेब पट्टी से गला बना सकते हैं। यदि आपने गला 7 इंच लंबा काटा है तो आप उसे गोल, चौकोर, स्वीट हार्ट नेक किसी भी शेप में बना सकते हैं। स्कार्फ कॉलर बनाने के लिए कोई स्कार्फ या मफलर को मोड़िए। इसके किनारे पर पीको किया हुआ है, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकती हैं। इसके बीच में निशान लगाइए और पिछले गले में बीच से सिलते हुए आगे आइए। बाजू की मोरी 1.5 इंच मोड़िए। आप चाहें तो कोई लेस या कोई एम्ब्रॉयडरी पीस भी इस पे जोड़ सकते हैं, इससे ये बहुत सुंदर लगता है। तो मैं ये पीले रंग की लेस जोड़ रही हूँ इसके बॉटम में। तो 1.5 इंच इसको मोरी से जोड़ा और उसके बाद बाजू को मिलाते हुए आर्म होल से जोड़ दीजिए। बाजू काटते वक्त हमने एक कुटका बाजू के ऊपर लगाया था। इस कुटके या नॉच को हम कंधे के जोर से मिलाते हुए बाजू को आर्म होल से जोड़ेंगे। यदि बाजू हल्की सी छोटी पड़े तो इसे आप बहुत हल्का सा खींच भी सकते हैं। मोरी हमने 5.5 ली है, 5.5 पर निशान लगाइए और मोरी से सिलना शुरू कीजिए और चोली के आखिरी तक हम इसको सीधा सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी बाजू और उसका साइड का हिस्सा सिलिए। अब हम स्कर्ट के पल्ले यानी जॉइंट सिलेंगे और स्कर्ट को टॉप से जोड़ेंगे। ये हमारी कमर की कटिंग थी और ये हमारे साइड की जो सेल्वेज से सेल्वेज मिलाते हुए हमने जॉइंट लगाया था, जोड़ लगाया था, उसको हम सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हम इसके ऊपर यदि हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये जॉइंट दिखेगा नहीं, तो ये आगे का हिस्सा होगा स्कर्ट का और हमारा ये जॉइंट पीछे की तरफ आएगा फ्रॉक के या स्कर्ट के। प्रेस करने के बाद ये जॉइंट ज्यादा नजर नहीं आता और इसीलिए अम्ब्रेला स्कर्ट या फ्रॉक प्लेन या छोटे फूलों वाले कपड़े में बनाया जाता है। तो जोड़ने के बाद ये स्कर्ट इस तरीके से हम सीधी तरफ से रखते हुए इसको ऐसे निकालेंगे, चोली को स्कर्ट के अंदर से ऐसे निकालेंगे कि सीधी तरफ के हिस्से अंदर की तरफ होंगे और उल्टी तरफ के यानी रॉन्ग साइड्स जो कि सिलाई वाला हिस्सा है वो उस तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं, और पिन लगा सकते हैं या फिर कच्चा कर सकते हैं। यहाँ आपको कपड़े को कोई खींचना नहीं है, सीधा आप घुमाते रहिए और टॉप को स्कर्ट से जोड़ दीजिए। यदि आपका स्कर्ट हल्का सा यदि उसमें कपड़ा बचता हो, वैसे तो इस तरीके से बिल्कुल भी बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यदि बचता हो तो छोटी छोटी एक आध
प्लीट्स आप डाल सकते हैं। यदि पिन लगा लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका स्कर्ट और जो टॉप है उसकी कटिंग आपने किस तरीके से की है। कमर की सिलाई लगाने के बाद हमको स्कर्ट को नीचे से मोड़ना है, तो 1 इंच तक मोड़ते हुए हम इसको थोड़ा थोड़ा भाग पकड़ेंगे, मोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं कपड़ा मोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा मोड़ने से उसमें झोल आ जाएंगे और सफाई नहीं आएगी। तो एक बार में आप थोड़ा सा ही कपड़ा लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।